ये इक्वेशन किस चीज की है? सर्कल 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 ही है। अल्टर फुलना एक्सप्रेस पर आ रहा है भाई, हाँ ये दोनों सर्कल है, अंतर ये है। अच्छा इसका रेडियस कितना है? वन। और रेडियस इसका भी वन है। अंतर ये है, इसका सेंटर तो ओरिजिन है, इसका सेंटर ओरिजिन है। इसका सेंटर क्या है? एक एक्स और वन और जीरो। वन और जीरो क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल की होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे एच और के की वैल्यू जीरो है और आर स्क्वायर की जगह वन है, तो रेडियस हुआ वन। तो पहले मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, इसको अगर इससे कंपेयर कराए तो एच और के क्या जीरो है, और एच और के होते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। ठीक है, ध्यान से देखना ये वाला x x y y। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इसकी रेडियस कितनी है? वन। तो वन कॉमा जीरो, जीरो कॉमा वन, ये भी कर लिया। अच्छा अब इसको इससे कंपेयर कराओ तो यहाँ h की जगह क्या आ रहा है? वन। k की जगह कुछ नहीं है, जीरो। इस सर्कल का सेंटर है वन कॉमा जीरो, यानी ये समझ आ रहा है। इस सर्कल का सेंटर ये है, रेडियस इसकी भी वन है, तो इसका मतलब वो यहाँ इसको टच करते बताएगा। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस वन लिया आपने, अगर इसमें डायग्राम आपने ऐसे बना दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो एग्जामिनर को पता चल जाए, बच्चों को ये नहीं पता है इसका लॉजिक क्या है ड्रॉ करने का। रफ स्केच है, तो रफ का मतलब ये है कि आपको जरूरी नहीं कंपास से बनाओ हाथ से, ठीक है। लेकिन इतना तो पता होना चाहिए कि अगर ये दूसरे सर्कल का रेडियस भी वन है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आप वन ले रहे हो और ये सेंटर है, तो ओब्वियसली ये सेकेंड वाला सर्कल यहाँ से पास करेगा, इस एक्सिस को टच करता हो जाएगा, ठीक है। अगर ये टच नहीं कराया और हाँ आगे को क्रॉस करा दिया तो भी गलत है, और पहले रखा तो भी गलत है, तो टच कराना जरूरी है। और दोनों के रेडियस वन, दोनों का साइज सेम है, बस सेंटर डिस्प्लेस हो गए। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों सर्कल के बीच में जो एरिया पड़ रहा है वो निकालो, यानी कि हमें ये एरिया चाहिए, क्योंकि बीच में एक्स एक्सिस का नाम ले लिया उसने, दोनों के बीच में जो पड़ रहा है तो ऊपर का निकाल के दोगुना कर देंगे। और ऊपर का निकालने के लिए पहले ये पॉइंट चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये सेम चीज के नीचे नहीं पड़ रहा है, यहाँ से इस पॉइंट तक तो ये पड़ रहा है इस सर्कल के नीचे। अगर इस सर्कल का वाई पुट कर दो तो ये आ जाएगा, इसके में जरूरत ही नहीं है। यहाँ से इस पॉइंट तक तो ये वाला सर्कल, ये वाला मतलब ये वाला, जिसकी इक्वेशन है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। और ये पॉइंट जब आ जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक का किसके नीचे का निकालेंगे? ये वाला सर्कल, पहला वाला। और दोनों को माइनस करेंगे प्लस करेंगे? प्लस करेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग हिस्से में आ रहा है, ठीक है। तो पहले चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो सॉल्विंग बोथ सर्कल्स, सॉल्विंग बोथ सर्कल्स, तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल करके यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो इसमें एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन। इस वन से वन को काट दो, इसका होल स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये भी कटेगा, ठीक है। तो माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स की वैल्यू आएगी वन बाई टू। आपने देखा कई क्वेश्चनों में दो वैल्यू आती है, यहाँ पे एक ही आई है, एक ही इसलिए आई है क्योंकि ये दोनों सर्कल कट तो दो जगह रहे पर दोनों जगह वैल्यू एक्स के सेम है। हाँ वाई के निकालते तो दो आती, समझ में आ रहा है, वाई के निकालते दो आती क्योंकि यहाँ पे वाई अलग होगा यहाँ पे वाई अलग होगा, पर यहाँ दोनों पॉइंट पे एक्स सेम होगा इसलिए एक ही आई है, क्लियर। अगर जब भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हो तो जितनी जगह भी इंटरसेक्ट करेगा सबकी वैल्यू आएगी, एक ही आने का मतलब दो जगह कट तो रहा है पर दोनों जगह एक्स सेम है, कि यहाँ से वन बाई टू से ऊपर जाओगे वाई चेंज होगा, यहाँ भी वन बाई टू है, नीचे जाओगे तो वाई चेंज होगा, एक्स तो सेम ही रहेगा, क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट क्या हुआ? वन बाई टू कॉमा जीरो, समझ आ रहा है, वन बाई टू कॉमा जीरो। तो रोहित बताएगा रिक्वायर्ड एरिया, बोलो
इस बार ट्वाइस मत करो, इस बार यहाँ से यहाँ तक अलग सर्कल। हाँ वैसे है तो सिमेट्रिक, सही बात है सिमेट्रिक है, पर यहाँ पे क्योंकि डिफरेंट कलर्स है तो प्लस करो ज्यादा बेटर है, हो सकता है टीचर मार्क्स काट ले। वैसे है ये भी सिमेट्रिक, आप एक का निकाल कर पूरा कर सकते हो, पर बाकी क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं बिल्कुल सेम चीज होती है, पैराबोला भी वही होता है। अब यहाँ पे ये अलग अलग कर रहा है तो प्लस कर दोगुना भी कर सकते हो, मेरे हिसाब से टीचर को मार्क्स काटने नहीं चाहिए, पर हम प्रॉपर तरीके से करते हैं। ये दोनों एरिया हम प्लस करने वाले हैं, तो जीरो से वन बाई टू मैंने वो ठीक कह रहा था, ट्वाइस तो हो गई, पूरा भी तो चाहिए, नीचे का भी तो चाहिए, सही कह रहा था मैं समझा, तो इस एरिया को ही ट्वाइस करके निकालना चाहता वो भी हो जाएगा, पर हमें पूरे का चाहिए तो ऊपर का पूरा प्रॉपर तरीके से निकालो। तो ट्वाइस ऑफ जीरो से ट्वाइस समझ में आ रहा है क्यों करा है, नीचे वाले हाँ जीरो से वन बाई टू वाई ऑफ वो सर्कल, ये सर्कल और ये सर्कल ये वाला है, इसका वाई, इसका वाई आएगा रूट वन माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर? अब क्या आएगा प्लस वन बाई टू से वन वाई ऑफ सेक ये वाला सर्कल, ये वाला यानी ये कौन सा पहला वाला है, वन माइनस एक्स वन। ओके अब दीपक बोलेगा, दीपक फर्स्ट फॉर्मूला एक्स बाई टू यानी एक्स माइनस वन, यहाँ पे जो एक्स है वो एक्स माइनस वन है, अंडर रूट वन माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देन वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन वन। ठीक है, इसके लिमिट है जीरो से, जीरो से नहीं प्लस, अब ब्रैकेट इसका अलग कर दिया तो टू जो था आपको फिर से लगाना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला बोलो, एक्स बाई टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई वन है ना, वन बाई टू से वन, गजेंद्र वैल्यू पुट करेगा बोलो, वन बाई टू माइनस वन माइनस वन बाई टू माइनस माइनस वन बाई फोर, यहाँ से तो माइनस वन बाई फोर आ रहा है, यहाँ पे रखो वन बाई टू माइनस वन यानी माइनस वन बाई टू, होल स्क्वायर करोगे तो वन बाई फोर हो जाएगा, वन माइनस वन बाई फोर थ्री बाई फोर, रूट थ्री बाई टू बाहर कितना आ रहा था माइनस वन बाई फोर और रूट थ्री बाई टू माइनस रूट थ्री बाई एट। क्लियर? नहीं तो आप साइड में कर लेना, बार बार कह रहा हूँ गलत मत करना, पर प्लस वन बाई टू माइनस वन माइनस वन बाई टू आ रहा है, वन बाई टू आता तो पाई बाई सिक्स लिखते, माइनस वन बाई टू आ रहा है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा यानी माइनस पाई बाई सिक्स, माइनस साइन में अगर माइनस है तो माइनस लगा दे, लेकिन कॉस में अगर माइनस होता तो माइनस नहीं लगाते तो पाई माइनस करना पड़ता, ठीक है, पर कॉस में भी आएगा ही नहीं, तो अगर माइनस का आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, वही थीटा माइनस का कर देना, क्या बच रहा है वन बाई टू माइनस का, तो वन बाई टू होता है पाई बाई सिक्स पे, यहाँ पे हम लेंगे माइनस पाई बाई सिक्स, ये हो गया। जीरो पुट करो, जीरो जब यहाँ पे पुट करेंगे जब जीरो तो वन का स्क्वायर आएगा तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो माइनस वन अपॉन वन आ रहा है यानी माइनस पाई, अभी तो समझाया ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ वन फुट करा जीरो, वन बाई टू इंटू यहाँ वन फुट करा फाइव बाई टू माइनस यहाँ वन बाई टू फुट करेंगे तो वन माइनस वन बाई फोर थ्री बाई फोर रूट थ्री बाई टू, और वन बाई फोर रूट थ्री बाई टू रूट थ्री बाई एट प्लस यहाँ वन बाई टू रखेंगे तो फाइव बाई सिक्स। क्लियर? अब जो सॉल्व करेंगे इंटू करते जाते हैं टू का, बोलो फोर माइनस फाइव बाई सिक्स प्लस नहीं माइनस 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 फाइव बाई फोर और प्लस फाइव बाई टू माइनस माइनस रूट थ्री बाई फोर फोर प्लस प्लस माइनस 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 फाइव बाई, ठीक है, अब देखिए टू का
अंदर भी टू हो रहा है। हाँ तभी तो टू कटा ना ये। नहीं भैया इधर वाले में पहले वाले में इसमें इन टू भी फाइव बाई फोर वाले में भी तो इन टू होगा तो फाइव बाई फोर का है इसमें। हाँ इसी में इन टू भी इसमें जब इन टू हुआ तो माइनस फाइव बाई टू बचा ना ये प्लस फाइव बाई टू हो गया वो फाइव बाई फोर फिर कहाँ से आ गया ये हाँ देखो ये इससे इन टू गया फिर ये इससे इन टू गया ठीक है अच्छा ठीक है ठीक है यहाँ पे क्या आएगा फाइव बाई टू फिर ये कौन सा है क्लियर हो गया तो ये तो कैंसिल हो गए ठीक है माइनस रूट थ्री बाई फोर माइनस रूट थ्री बाई फोर माइनस टू रूट थ्री बाई फोर माइनस फाइव बाई सिक्स माइनस फाइव बाई सिक्स टू फाइव बाई सिक्स माइनस थ्री क्यों आ रहा है। हाँ सर देखो जरा क्या हाँ सर देखो टू पाई बाय थ्री थ्री माइनस रूट थ्री बाय टू हाँ टू ठीक है रूट थ्री बाय टू ये रहा ये चीज प्लस की आनी चाहिए टू पाई बाय थ्री माइनस रूट थ्री बाय टू ये चीज प्लस की आनी चाहिए अपर लिमिट माइनस यहाँ पे माइनस आना चाहिए जीरो से वन बाई टू का वो सब कर लेंगे वन बाई टू हाँ भैया हाँ बोलो प्लस वन बाई टू होगा कहाँ पे यहाँ पे माइनस यहाँ पे हाँ जीरो हाँ यहाँ प्लस होगा ठीक है और अगर ये प्लस होगा तो ये कटेगा तो ये कटेगा नहीं माइनस तब ये आएगा ये इसमें का ये वाला माइनस टू होगा माइनस टू प्लस और ये आएगा प्लस प्लस ठीक है और क्या गलती होगी फिर इसके चक्कर में ये क्या ठीक था तो आंसर मैच फिर भी नहीं होगा फाइव बाई टू प्लस फाइव बाई टू फाइव फाइव बाई सिक्स प्लस फाइव बाई सिक्स माइनस टू माइनस फाइव बाई थ्री आ जाएगा ठीक है और ये हो जाएगा माइनस टू रूट थ्री बाई फोर तो ये हो जाएगा टू फाइव बाई थ्री माइनस रूट थ्री बाई टू स्क्वायर यही है समझ आया तो यहाँ पे साइन की मिस्टेक होगी